अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, हंस मुस्कुराते रहे। और इसी नेक्स्ट के साथ आज के लोग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जो है ना अदनान लोग आए हुए, तो अदनान के में भी आई हुई है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो वो गए जी मेडिसिन लेने के लिए बाजार से। तो अदनान और मुबीन को दोनों को हमारे घर ही छोड़ गए। मुबीन को हम साथ नहीं लेके आए, वो अपनी आंटी के पास ही बैठा था। घर आए हमने कहा आप अपने घर को ना इस घर को जो हालत हुई पड़ी है ना वो भी दिखा दे कि जितने दिन हमने हिफाजत की है बस लाइफ हो गई। वो इसका खुद का मालिक है, वो भी इतनी ज़्यादा हिफाजत नहीं करता, वो कोई मोबाइल वगैरह नहीं हो लोगों ने की देखने के लिए आए हमारी। तो अभी जो है ना हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें क्यों आना पड़े वो वक्त में से अपने आपको नीचे जाती बताती हूँ क्योंकि आपको बताइए क्या हो रही। तो ये जो ईंटें पड़ी है ना, तो जब हम यहाँ पे भी आए थे तो तब माशाल्लाह देखिए बिल्कुल सही थी। तो ये जो सात पड़ोसी है ना, उन लोगों ने उनसे हमें मांगी ये ईंटें कि हमें दे दे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी फैमिली है ना, तो इसलिए उन्हें जो है ना वो घर की ज़रूरत थी। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि ये ईंटें आप हमें दे दें, हम इस घर को फिर बना के ना भाई यहाँ पे जो है ना अपनी रिहाइश कर लेंगे। इनकी वजह से भी वो घर जो है ना बहुत ठीक है। तो इधर आप चेक करें बिल्कुल दीवार के साथ जो है ना वो इसका पानी आ चुका है और इधर बिल्कुल बूटी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो आगे हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं। नीचे देखिए सारी टूटी बूटी पड़ी है, सारी टूटी पड़ी है, एक पेंट नहीं है जो बिल्कुल सही पड़ी हो, सारी ख़राब हुई पड़ी है। तो आज उन्होंने हमसे कहा कि जो है ना आप हमें इसकी हालत देखकर बताएं कि क्या उसकी हालत हुई पड़ी है, क्योंकि वो जो है ना काफ़ी दूर रहते हैं। तो इस वजह से आज जिमान और हम दोनों बहन भाई मिलकर आए हैं ईंटों को देखने के लिए। और ईंटों के दरमियान देखें जी ये दब्बड़ कहते हैं हम पंजाबी जबान में, ये सारा हुआ पड़ा है और इस साइड से जो है ईंटें मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी हैं। एक बंदा इतनी मेहनत करके ये काम करता है और इतनी मेहनत करने के बावजूद फिर जो है ना वो ये सारा कुछ ज़ाया हो जाए तो इंसान को कितना दुख होता है। ये देखें जी सारी ईंटें जो है ना वो ख़राब हुई पड़ी हैं। यहाँ पर तो ऐसे लगता है कि जैसे ईंटें यहाँ पर पड़ी भी नहीं थी, और ये किस तरह से ख़राब हो रही हैं। ऊपर से देखें सही हालत में पड़ी हैं, इस तरीके से टूट रही हैं, ऐसे ही टूट फूट का शिकार। फिर बारिश आती है जो है ना दरमियान से वो गल जाती है, सारी मिट्टी बह जाती है और उसके बाद जो है ना इसकी ये हालत हो जाती है। ये हालत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी जो है ना कुछ यहाँ पर पड़ी हैं, कुछ तो अभी तक जो सेब पड़ी हैं अगर वो लगा लें तो ठीक ही रह जाएगा, अगर ना लगाई तो ये जो है ना सारी ज़ाया हो जाएंगी। और ईमान बाकी जो है ना आपको विज़िट करवाती हैं कि क्या हालत पड़ी है। ईमान इधर आएँ, ये देखें ये जो हमने पौधा लगाए थे ये बच्चों ने गिरा दिए हैं, और यहाँ पे भी जो है ना वो टूटी ही पड़ी है। तो हम अंदर चलते हैं, अंदर का आप हालत देखें तो आप गिरा दें। तो ये देखिए कि हमारा जो पौधा है ना तो फिर से भाई पत्ते लेने लगा था, लेकिन फिर हम तो यहाँ से चले गए, इसे किसी ने पानी नहीं डाला, तो इसलिए अभी ये वही खड़ा हुआ। तो बना जाना होता जाके जो हमने मट्टी के बर्तन बनाए थे ना इन्हें उठाला उठा रहा है, इनकी हालत चेक करेंगे। नीचे तो जो है ना ये कलर वगैरह लगे पड़े हैं, ये हमने ही बंद किया था क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने नल के जो बोर नहीं होती वो करवाई हुई थी, और हमने कहा कोई निकाल ना ले, तो इसीलिए हमने जो है ना ऊपर से ये चार जो है ना वो बोते देख रख लिए थे ताकि यहाँ पे पता ना चले कि क्या चीज़। हम इसे पंजाबी जबान में बट्टे कहते हैं, इसलिए ईमान कह रही थी बट्टे, और इसे कच्ची ईंटें कहा जाता है, कच्ची ईंटें। ईमान को पता है वैसे, और इधर की सूरत हाल भी ईमान इनके साथ शेयर कर दें व्यूअर्स के कि इधर क्या हालत हुई पड़ी है। काफ़ी वही हुई पड़ी है जो पहले हुई पड़ी थी और हमने आके सेट की थी, और फिर वही हो चुकी है सारी दीवार हमने यहाँ पे इतनी मुश्किल से बनाई थी, जोड़ी थी ईंटें, तो वो जो है ना अभी वो सारी फिर जो है ना वो नीचे गिरी पड़ी है। तो इधर नीचे जो है ना ये कलर वगैरह लग चुका है इससे, क्योंकि साथ इसके पानी आ चुके हैं ना, इसीलिए बाइट आपको पेन दिखाया है ना। अभी जो है ना हम आपको बिल्कुल दिखा देते हैं अच्छी तरीके से कि पानी इनको कैसे कलर बन रहा है। ये सारा पानी है जब नहर जो है ना, देखें जी यहाँ से नहर तो नज़र नहीं आ रही, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे एक छोटा सा खाला बनाया गया हो। तो
से खाले में जो है ना, फिर इसकी सूरत हाल ऐसी होनी है, क्योंकि इस छोटे से खाला बना पड़ा है तो पानी जब जो है ना ओवरफ्लो हो जाता है, जब गंद वगैरह नहर के ऊपर चढ़ जाता है। वैसे तो हुकूमत की तरफ से हर साल इसकी सफाई की जाती है, ये जो पत्तियां वगैरह ऊपर आ जाती हैं और गंद बन जाता है सारा, इसकी सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी एक साल में ये फिर जो है ना काफ़ी घिनाव कर जाता है। अगर वो एक साल भी इसकी सफाई ना करें तो ये जो है ना सारी मुकम्मल की मुकम्मल बंद हो जाए और ऊपर से इसका जो है ना व्यू इस तरीके से आएगा। बाकी आपको देख रहा होगा कि एक साल हर साल सफाई करने के बावजूद इसकी हालत कैसी पड़ी हुई है, लेकिन ये जो है ना नहर के करीब लगता बहुत खूबसूरत है। और बाकी यहाँ पर देखेंगे माशाल्लाह से हमारे लिए भी एक परेशानी की बात है, क्योंकि हमने उसने हमें भेजा, कभी ये हमने भी घर इस्तेमाल किया था, तो ये देखेंगे अब दीवारें बिल्कुल गिरने के करीब हैं, क्योंकि इसको ना हम पंजाबी ज़बान में कलर कहते हैं, जो ये दीवारें नीचे से जो है ना ख़त्म होने लग जाती हैं। अदरान जाना है नहीं, गिराने के चक्कर में फिर रहा है, तो देखे ये सारी चूल्हा वगैरह की जो हमने दीवार इतनी मुश्किल से लिपाई की बनाई, वो सारी देखे बच्चे, जैसे हमारे बस जैसे हम निकले ना तो सारी हर चीज जाना खराब हो गई, चूल्हा में इतनी मुश्किल। तो आज जो है ना हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये हमारे हाथों की मेहनत की। तो फिर आपको पिछले हुए लोग आपसे जो शेयर किए किए हैं ना, उनमें आपको वजह बताई थी कि क्यों हमें छोड़ना पड़ा, हमारी भी मजबूरी थी, वरना हमने अपने हाथों से इतनी मेहनत की थी, इतनी मुश्किल से ये घर को जो है ना बनाया था, तो अदरान नहीं करो, तो इसीलिए जो है ना हमें ये घर छोड़ना पड़ा। और आज बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि आज इस घर की हालत क्या हुई पड़ी है, तो हमने इतनी मुश्किल से ये चूल्हा जो है ना वो बनाया था मट्टी से अपने ही हाथों से, तो इधर जो चापड़ी वगैरह हमने बनाई, ऊपर से ये सारे डिजाइन और डिजाइन वाली दीवार बम्बू वगैरह जो है मटर बिल्कुल सारे जो है ना बच्चों ने तोड़ दिए, कुछ बच्चों ने तोड़े पड़ों को बिल्कुल कमाल है, जैसे लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है, ईटे ये वाली जो है ना हमने जोड़ के उसकी रखी थी, हमने तो उसका फ़ायदा भी सोचा था, लेकिन वो अभी उसकी जो है ना वो पड़ोसी मांग रहे ईटे की आप ना हमें दे दे, तो अच्छी बात है अगर वो उनका जान दे देगा तो वैसे यहीं पे टूट ही दे जानी है, तो कुछ पैसे उसके वापस आ जाएंगे, तो बाकी तो उसकी मर्जी है अगर दे या ना दे। तो उधर देखे जी बिल्कुल ऐसे कितनी ज़्यादा जो है ना लाइट वो बंद होती जा रही बिल्कुल, क्योंकि इस पर जो है ना ये ईटी वगैरह आ रही है ना, तो वहाँ से तो ऐसा लग रही है जैसे ना खाने में नहीं पानी जाता, इतनी सिनाज ये हो चुकी है, क्योंकि इस पर काफ़ी मजबूती प्यारी आ रही है माशाल्लाह समझ समझ है, तो इधर हर चीज़ जो है ना वो खुशी खुशी पड़ी है। कपड़े में देखे पहले मैंने भी शेयर की है आपके साथ ये बात, तो अब जो है ना ईमान ने भी शेयर कर दी है नाहिर वाली। तो देखे हमने जो है ना वो बनाए थे छोटे छोटे जो खिलौने बनाए थे ना, वो अदनान जो है ना ढूंढ के मुझे कह रहे हैं किसी ने चूल्हे में लिखे हैं, और अदनान जब आया था ना इतना साफ सुथरा बना हुआ था, लेकिन अब अदनान जा रहा है वो काफी इसकी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि कपड़े गंदे कर दिए हैं। अदनान आपने ये क्या किया है? हम आपको कमरे की हालत दिखाते हैं, किसकी देखिए क्या हुई पड़ी है। पहले तो हम आते थे कि रोजाना शाम को तो इसके जो है ना वो झाड़ू कर जो है ना मैं लगा देती थी हर शाम को, भी सुबह टाइम भी दोपहर टाइम भी जब भी जाती थी, तो ये चापड़ी हमारी टूट गई थी, हमने ईटे उसकी जो है ना यहाँ पे जोड़ के रखी थी, और ये मट्टी भी हमने रखी शायद उनके काम आए इस सके, तो इसीलिए जो है ना झाड़ू नहीं लगा, तो देखे कमरे की जो है ना क्या हालत हुई पड़ी, झाड़ू होता ना तो फिर मैं सब जो है ना झाड़ू लगा देती, लेकिन अभी तक यहाँ पे झाड़ू है नहीं। आज उन्होंने हमें सिर्फ यही कहा था कि आप जो है ना उन्होंने पहले हमें चाबी दी थी, तो हमारा भी हक बनता है, अगर एक इंसान हमें इतना बड़ा घर दे सकता है तो हमारा भी हक बनता है कि इतना तो हम पैदल चलकर आ भी सकते हैं, ऐसे ना ईमान, कि उनके घर को हालत देखकर उनको बताएं, क्योंकि वो जो है ना काफ़ी दूर रहते हैं, तो इस वजह से जो है ना तो आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, घर से बाहर निकलने की तो आजकल वहाँ भी नहीं है, इसलिए वो इतना दूर जो है ना आते नहीं है, तो इसलिए उन लोगों ने हमें कहा था कि आप ना हमें घर की हमारी की हालत दिखा देना कि क्या हुई पड़ी है, तो फिर हम आपको सफाई करेंगे, इसलिए आज हम आएंगे बता देंगे। बेटा नहीं करो अदनान, बेटा ये क्या है? आंटी बेटा बात खिला तो अदनान कह रहा है कि मेरी आंटी ने ये बर्तन बना के रखे थे और इन्हें मत छेड़ो ये टूट जाएंगे, अदनान पहले बहुत ही मुश्किल से इन्हें इकट्ठा कर रहा है। अदनान
क्या कर रहे बेटा? बम में तोड़ रहे हो? अदनान कह रहा है कि इनको रख दो जो है ना, ये बर्तन मुझे बहुत ही अच्छे बना कर दिए थे आंटी जान ने, लेकिन अब जो है ना सारे टूटे फूटे पड़े हैं। देखिए जी ये मंटू जो है ना वो टूटे पड़े हैं, और जो हमने ईटें लगाई थी वो भी सारी खराब हुई पड़ी हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो जा रहे हैं जी नई दांत रेड़ी लेके, वो गए थे वो इतने जी लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि लकड़ी को आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तंगी है, तो इसीलिए वो अपनी दांत रेड़ी पे जो है ना वो जा रहे हैं। अच्छा पराली उठाने के लिए गया था, मैंने सोचा कि तो अब किधर लेकर जा रहे हैं? फिर पराली उठा ना, थोड़ी बात ही उर्दू बोल लेता क्योंकि ये पढ़ता नहीं। क्लास में से आपने स्कूल छोड़ा? फोर क्लास में से छोड़ा, और कह रहा है कि चार मैंने पढ़ी है, फोर से छोड़ा है, इस वजह से वो कह रहा है कि जो है ना अभी हम जो है ना पराली उठाने के लिए जा रहे हैं। वो भी थोड़ी सी उर्दू बोला लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि ईमान जो है ना इस साइड पर खड़ी थी और मैं उसके पास खड़ा था, मुझे आवाज़ आ गई। झूले तो हम ज़रूर लेते लेकिन हम इधर जा रहे हैं और फिर वो जो है ना अभी वापस लेके जा रहे हैं, मैंने झूले ज़रूर लेते और आपको दिखाते भी सही। ये लकड़ी पड़ी हुई है जी, कपास की सोंगड़े पड़ी हुई, और इधर उन लोग अदनान देखे जी आगे आगे जो है ना वो कैसे भागा जा रहा है। हम वापसी घर आ गए थे तो हमने कहा कि देख लेते हैं जी हमारे किचन में क्या तैयार हो रहा है। आज जो है ना तड़के वाली दाल हमारे किचन में तैयार हो रही है माशाल्लाह से, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। करती हूँ आपको आज का भी लोग पसंद है, अगर आज का भी लोग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो साथ एक अच्छा सा कमेंट भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सा रखिएगा, दो याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो मैं भी बाय बाय कर दो, चलो को बाय। मुबीन ने भी जो है ना आपको अस्सलामु अलैकुम कह दिया।